नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति की सियासी उठापटक लगातार तेज है, ऐसे में गुटबाजी और मनमुटाव खुल करके सामने आ रहे हैं। हमने देखा था कि किस प्रकार से कल जो है 12 सितंबर को देश के जो बड़े नेता थे, बिहार के बड़े नेता थे, देश के दूसरे अम्बेडकर कहे जाते हैं, हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान की, उनकी जो है कल प्रथम बरसी थी। ऐसे में नीतीश कुमार जी के आने की संभावना थी। आमंत्रण पत्र को लेकर के क्या बवाल हुआ था, भारत लाइव की टीम ने आपको पूरी जानकारी दी थी, लेकिन वहां पर जो है नीतीश कुमार जी नहीं पहुंचते हैं। नीतीश कुमार जी नहीं पहुंचते हैं, लेकिन सीएमओ की ओर से एक चिट्ठी जारी किया जाता है। इसमें एक शब्द में लिखा होता है कि नीतीश कुमार जी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि दी। इसके आगे कुछ नहीं लिखा जाता है। इसके बाद तेजस्वी यादव जी इस पूरे प्रकरण पर जब आते हैं, आपको बता दें, चिराग पासवान के घर पर, तो मीडिया के सामने खुल करके बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान नीतीश कुमार जी के इस रवैये पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं और कहते हैं कि एक शिष्टाचार तो होना चाहिए था। जब देश के प्रधानमंत्री जो यहाँ नहीं है, वहां से एक लंबा जो है चिट्ठी लिख करके भेजते हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पटना में होते हुए भी यहाँ नहीं आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जदयू के कोई और भी जो नेता है, कोई और भी नेता यहाँ नहीं पहुंचा था, यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बरकी समारोह में, बरकी का जो आयोजन किया गया था, वहां पर जदयू का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा था। ये बातें जो है सबको हतप्रभ करने के लिए काफी थी। ऐसे में राजद के तमाम लोग पहुंच रहे थे, कांग्रेस के लोग पहुंच रहे थे, बीजेपी के मंत्री से लेकर के तमाम लोग पहुंच रहे थे, लेकिन अगर बात करें तो जो जदयू कोटे के कोई भी लोग, कोई नेता, पदाधिकारी या फिर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री खुद यहाँ नहीं पहुंचे। इससे पहले आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी इस बात की मांग कर चुके थे कि जो देश के जो बड़े नेता हैं, बिहार की राजनीति के बड़े धरोहर थे, उन्होंने बात किया था स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की और उन्होंने बात किया था रघुवंश बाबू की, उनकी आदमकद प्रतिमा लगनी चाहिए, राजकीय सम्मान में उनकी जो है जयंती या पुण्यतिथि जो है मनाई जानी चाहिए। ये बात तेजस्वी यादव जी ने मांग की थी, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी, जो कि जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि नीतीश कुमार जी फैसले लेने में सक्षम है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये किसी दल का जो है ये मांग नहीं होना चाहिए। ये बात आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा जी ने कही थी कि नीतीश कुमार जी फैसला लेने में सक्षम है। क्या नीतीश कुमार जी यही फैसला लिए? अब नीतीश कुमार जी पर जरूर सवाल उठ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी पर जरूर सवाल उठता है कि उनके बातों को कहने के पीछे क्या मंशा थी, रिजल्ट क्या। लेकिन खैर, आज जो है आपको बता दें कि 13 सितंबर है और ऐसे में रघुवंश बाबू जी की प्रथम पुण्यतिथि है, तो आज प्रथम पुण्यतिथि से ठीक पहले तेजस्वी यादव जी ने मांग की थी उनकी आदमकद प्रतिमा के विषय में और राजकीय सम्मान के साथ उस समारोह को मनाने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी देखे जाते हैं कि जो कुछ भी, अगर किसी को सीएमओ के माध्यम से नीतीश कुमार जी अगर किसी को श्रद्धांजलि देते हैं, बधाई देते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो है नीतीश कुमार जी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जो है पोस्ट किया जाता है। ऐसे में जो आपको बता दें, कांग्रेस के नेता जो चले गए इस दुनिया से, उनके बारे में जो नीतीश कुमार जी ने श्रद्धांजलि दी थी वो तो उनके पेज पर है, लेकिन कल रामविलास पासवान जी को, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जो श्रद्धांजलि दी थी, श्रद्धासुमन अर्पित किया था उन्होंने, आपको बता दें सीएमओ की चिट्ठी के, एक लाइन वाले चिट्ठी के माध्यम से, उसकी जानकारी कहीं भी नीतीश कुमार जी के ऑफिशियल पेज पर नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार जी ने, ऐसा लग रहा है कि लोग इस बात की चर्चा करने लगे हैं, सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के मुख्यमंत्री होने का बस फॉर्मेलिटी निभाया है, वे वहां नहीं पहुंचे, लेकिन सीएमओ की ओर से एक लाइन का एक लेटर इशू कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी उस लेटर को अपनी जगह पर रखना भी नहीं जो है वाजिब समझ रहे हैं। नीतीश कुमार जी अपने ऑफिशियल जो पेजेज हैं वहां भी नीतीश कुमार जी इस चिट्ठी को, जो उन्होंने श्रद्धांजलि दी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, उस चिट्ठी को साझा नहीं कर रहे। ऐसे में आज रघुवंश बाबू जी की पुण्यतिथि है, नीतीश कुमार जी रघुवंश बाबू को लेकर के क्या करते हैं, इस पर सबकी नजर है। आप जुड़े हुए बात लाइव के साथ, अभी वक्त शेष है, नीतीश कुमार जी खुद जनता दरबार में व्यस्त हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का क्या एक्शन होगा इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि आग कल से ही लगी हुई है। इस आग पर कब पानी पड़ता है, आग कब बुझता है, इसका इंतजार है। जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली,
9386816700। धन्यवाद।